नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली खबर जबलपुर से है। जबलपुर में कांग्रेस विधायक पर सीएम ने चुटकी ली है, ओंकार मरकाम पर। तो ओंकार मरकाम पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप गलत पटरी पर बैठे हो, आ जाइए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, कांग्रेस के विधायक पर सीएम ने चुटकी ली है। ओंकार मरकाम, उन्हें लेकर ये कहा गया कांग्रेस विधायक को। इससे ऐसे भी देखा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सीएम ऑफर दे रहे हैं। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओंकार सिंह जी का। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओंकार सिंह जी का। एक हमारे तो अभिनंदन भी कर दिया गया है, और क्या इसे माना जाए, इसे ही लेकर अब चर्चाओं के दौर चल रहे हैं। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जाहिरा तौर पर जिस अंदाज में सीएम ने बात कही है, ऐसा लग रहा है कि एक तरह से ऑफर ही है। और क्या कुछ घटनाक्रम रहा पवन? वैसे ये पूरा आज का कार्यक्रम था, इसमें कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जगत बहादुर सिंह अन्नू, ओंकार सिंह मरकाम और कई और कांग्रेस के नेता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। और जब मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे मंच पर बैठे अतिथियों का, इसी दौरान उन्होंने चुटकी लेते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि कहां किस पटरी पर बैठे हो, यहां आ जाओ हमारे साथ। तो इस बात के जो है कई मायने निकाले जा रहे हैं। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद भाजपा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में भी इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि क्या मुख्यमंत्री ने वाकई ऑफर दिया है। पवन, जरा ये बताए कि मजाकिया अंदाज में दे दिया कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, लेकिन ओंकार मरकाम की प्रतिक्रिया क्या रही? जी बिल्कुल, ओंकार मरकाम जी से जब कार्यक्रम के बाद में बात की गई तो उन्होंने मुख्यमंत्री को दो टूक जवाब दे दिया कि प्रदेश के विकास के काम करिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। तो ये ओंकार सिंह मरकाम का जवाब रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान, इस तरह की चुटकी, इस तरह का मजाकिया अंदाज चर्चाओं की वजह जरूर बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।